हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं EMI सॉफ्टवेयर के बारे में। फ्रेंड्स, ये डाटा रिकवरी और क्लोन भी है, और ये मतलब इस सॉफ्टवेयर में कई वर्जन है फ्रेंड्स, और पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है। आप इसको यूज करके अपने सिस्टम का जो डाटा है उसे रिकवर कर सकते हैं। अगर हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, उसमें हार्ड डिस्क में कोई डाटा उसे कॉपी करना चाहते हैं या किसी तरीके से भी, या रिकवर करके दूसरे में हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इजिली इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं फ्रेंड्स। किस किस तरीके से करना आपको पूरी डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें फ्रेंड्स। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप मिल जाता है हमारा विंडो डाटा रिकवरी का फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा ही स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीन पर चल के भी दिखाऊंगा, सिस्टम में यूज करके दिखाऊंगा किस किस तरीके से। पहले आपको बता दे रहा हूँ उसके फीचर्स के बारे में और क्या क्या इसकी कंडीशन है फ्रेंड्स। तो पहला तो आपके सामने आ जाता है विंडो डाटा रिकवरी। अगर आपके सिस्टम में जो डाटा है अगर वो डिलीट हो जाता है फ्रेंड्स, सिस्टम की बात कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम का डाटा, जो सी ड्राइव में डाटा है पूरा जो सिस्टम में है आपके में, डाउनलोडिंग फाइल्स या अगर अगर जो भी फाइल्स आपकी पड़ी हैं पूरे सिस्टम में, तो पूरे सिस्टम का भी बैकअप कर सकता है फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर। और बात करते हैं दूसरे नंबर पॉइंट टू की, तो फ्रेंड्स अगर आपके हार्ड डिस्क का डाटा कुछ करप्ट हो जाता है या हार्ड डिस्क में डाटा निकालना है, जो आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है और उसमें मान लीजिए 6 पार्टीशन है, 5 है, 3 पार्टीशन है, तो जितने भी पार्टीशन है वो सी ड्राइव सहित पूरे ही हार्ड डिस्क को रिकवर कर देगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर तीन की, तो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर तीन में ये है कि अगर आपके पार्टीशन जो बने हुए हैं हार्ड डिस्क में, 2-3 पार्टीशन जितने बने हुए हैं, अगर आप जिस पार्टीशन का डाटा रिकवर करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्रेंड्स। तो आपको जो सॉफ्टवेयर, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर ये पड़ा है, ठीक है, आपको इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करके इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको यस कर ले रहा हूँ इंस्टॉल करने के लिए, और यहाँ पर आपको ओके क्लिक करना है। आपके यहाँ पे प्रो एडिशन और स्टैंडर्ड एडिशन मिल जाएंगे, जिसमें कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि बैकअप एंड रिस्टोर स्पीड आपको नॉर्मल मिलेगी, इसमें फास्टर मिल जाएगी। इसमें बिजनेस हर्ड मिलेंगे, यानी कुछ कुछ घंटे आप टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलेगा, बट इसमें 24 घंटा 7 दिन आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स। आप यहां से जाकर के इसके लाइसेंस बाय कर सकते हैं, पर मेरे पास इसका ऑलरेडी लाइसेंस कोड है, मैं उसको डाल करके जब करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको कर लेता हूं फिलहाल मैं स्किप और कर लेता हूं इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा इंस्टॉल हो चुका है और सामने यहाँ पे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल का भी मैसेज आ गया फ्रेंड्स गूगल क्रोम पे, और आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड यहाँ आपको फ्री में मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। हाँ, इसको बाय करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स, इस पर काफ़ी अच्छा जो फ्लैश सेल चल रहा है, मैं जो आपको बता रहा था, मैंने भी आपको बताया था पहले कि आप इस पर कुछ परसेंट कि आपको छूट मिल जाएगी फ्रेंड्स कुछ परसेंट की। तो आप देख सकते हैं, अगर आप 1 TB क्लाउड वाला लेते हैं तो फ्रेंड्स ये $59.95 का था, बट ये आपको $49.95 का मिला है, यानी कि $10 का पूरा ही आपको फायदा होने वाला है। अगर आप लाइफ टाइम वाला लेते हैं तो ये $69.95 का था, जो कि आपको $10 ऑफ मिलता है, $59.95 में आपको ये मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम उस पर चल के और देखते हैं, इंजॉय करते हैं इसको। इंजॉय नाउ पर क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ओपन होने के बाद में आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस इस तरह का, वेलकम टू EMI बैक पर। और आप यहाँ भी देख सकते हैं इसका ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स अभी, आप इसका ऑफर जरूर लीजिएगा और डाउनलोड करके आप लाइफ टाइम वाला यूज़ कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। तो इसको मैसेज को कर लेते हैं यहाँ से कटआउट। कटआउट करने के बाद में यहाँ से न्यू बैकअप कर सकते हैं, न्यू सिंक कर सकते हैं। इस मैंने सब कुछ आपको बताया था अभी कि न्यू सिंक का क्या मतलब है और न्यू बैकअप का क्या क्या मतलब है फ्रेंड्स। तो होम पे हमें मिल जाती है दो ऑप्शन, अगर हमें जाना बैकअप पे, बैकअप से मैं फिर बताने वाला हूँ कि सिस्टम बैकअप में आपको पूरा ही सिस्टम का सी ड्राइव का, यानी कि जो टोटली आपके डेस्कटॉप या अदरवाइज कहीं भी फाइल्स पड़ी हैं या डाटा पड़ा है, तो आप पूरा ही सिस्टम बैकअप द्वारा विंडो सहित पूरा ही लैपटॉप बैकअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिस बैकअप का मतलब है आपकी जो ये डिस्क है, ये मेरे 3 डिस्क दिखा रहा है, इनमें से कोई सी का एक का भी मतलब पूरी डिस्क का भी बैकअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बात करते हैं यहाँ पार्टीशन बैकअप की। अब पार्टीशन की बात करते हैं, जैसे एक ही पार्टीशन हो गया, एक ही हो गया, एक हो गया, तो इसमें एक एक करके आप इसका बैकअप कर सकते हैं फ्रेंड। मान लीजिए मेरा ये अजीत सिंह नीचे लव वाली का अगर डाटा कुछ क्रैश हो गया या डाटा इसका बैकअप लेना है, तो मैं इसी का ही सिलेक्ट करके डाटा बैकअप ले सकता हूँ। फाइल बैकअप लेना तो फ्रेंड, जैसे कि मेरी यहाँ फाइल पड़ी है कोई A to Z, या ये माई फाइल का फोल्डर है, इसको यहाँ से बैकअप, अकेले कोई फोल्डर को बैकअप कर सकता हूँ फ्रेंड्स।
और क्लाउड बैकअप का मतलब ये फ्रेंड्स, आप जो डाटा सेफली क्लाउड पे बैकअप कर सकते हैं, यहाँ का पूरा डाटा निकाल के आप क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। आउटलुक बैकअप भी कर सकते हैं, आउटलुक बैकअप में फ्रेंड्स आपके जो डाटा इमेजेस हैं जो सॉफ्टवेयर में आप यूज़ करते हैं वो उसके यहाँ से बैकअप हो जाएगा फ्रेंड्स। सिंक हो गया, सिंक का मतलब आपको तो फ्रेंड्स वो बेसिक सिंकिंग है, इजीली सिंक सेंस टू फाइल टू फ्रॉम सोर्स डायरेक्ट टू डेस्टिनेशन डायरेक्टरी फ्रेंड्स। इसका जो बैकअप है आपको बेसिक सिंक से भी कर सकते हैं, रियल टाइम सिंक से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये प्रो मॉडल में यूज होंगे, यानी कि आपका वो लाइफ टाइम वाला या 1 TB क्लाउड वाला होना ही चाहिए फ्रेंड्स, परचेज लाइसेंस, जब ये आप इन बाकी तीन को अदरवाइज यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। रिस्टोर, आप फाइल को इसी भी रिस्टोर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसमें रिस्टोर कर सकते हैं इजीली, जैसे कि हम कोई फाइल डिलीट करते हैं जैसे रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है, हम रिसाइकल बिन में से द्वारा निकाल सकते हैं, वही इसी तरीके से यूज कर सकते हैं रिस्टोर को। और क्लोन तो आप फ्रेंड्स समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप किसी चीज़ की कॉपी करना चाहते हैं तो इजीली आप सेम टू सेम उसका कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि ये सी ड्राइव, अगर मैं बात करता हूँ इसकी सी ड्राइव की, अगर सी ड्राइव का आप यूज़ पूरा डाटा उठा करके दूसरे सिस्टम में लगाना चाहते हैं, और हार्ड डिस्क पेन ड्राइव लगा कर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली विंडो यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स उसकी तो। और टूल्स में आपको मिल जाएंगे विंडो 11 अपडेट चेकर मिल जाएगा आपको फ्रेंड्स, क्रिएट बूटेबल मीडिया मिल जाएगा, आप यहाँ से पेन ड्राइव या कोई सीडी आपको मिली है अगर आप बूट करना चाहते हैं उसको तो आप यहाँ से इजीली बूट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक्सप्लोर इमेज, इमेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिप फाइल बना सकते हैं फ्रेंड्स उसके। रिकवरी इन्वायरमेंट, रिकवरी इन्वायरमेंट ये प्रो मॉडल का फ्रेंड्स, आपको ये प्रो मॉडल लेना पड़ेगा इसका, जब बाय करना पड़ेगा जब आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। डिस्क वाइप है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है ये भी। नोटिफिकेशन सेटिंग आप इसकी कर सकते हैं, अगर आपकी बार बार अगर कोई भी एक्टिविटी होती रहेगी आपके सिस्टम में अदरवाइज तो वो आपको यहाँ नोटिफाइड कर देगा फ्रेंड। स्टोरेज मैनेजमेंट, ये आपके स्टोर को काफ़ी अच्छा हार्ड डिस्क को स्टोर करके रखेगा फ्रेंड्स, मेंटेन करके चलेगा। अगर कोई डिस्क पे ज़्यादा सी ड्राइव डिस्क है या उसको विंडो रन करती है, अगर उस पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है या वो भर रही है, कोई आप बिग फाइल डाउनलोड कर रहे हैं फ्रेंड्स गूगल से कहीं से भी, वो सी ड्राइव में स्टोर होती है पहले, तो आप चाहें तो उसको भी यहाँ से मेंटेन कर सकता है फ्रेंड्स। ये व्यू लॉग्स में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपने व्यू लॉग इन किया है, कहाँ कहाँ आपने फाइल्स खोली है फ्रेंड्स। चेक इमेज में आप डुप्लीकेट और अदरवाइज चेक इमेज कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इमेज या वैसी चीज़ है नहीं फ्रेंड्स। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में आप ये कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो इजिली कर पाएंगे फ्रेंड्स आप। क्रिएट पोर्टेबल वर्जन, आप इसका पोर्टेबल वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से एक और वर्जन उसका क्रिएट कर सकते हैं, डिस्क हो या सिस्टम का फाइल्स हो फ्रेंड्स, इजीली आप ये चीज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ओ एम ई फिक्स बूट टूल भी मिल जाएगा आपको, ओ एम ई इमेज डिप भी मिल जाएगा, ओ एम ई सेंट्रलाइज बैकअप भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे सभी सॉफ्टवेयर इसके। और अदरवाइज एडिशन भी है, बहुत अच्छा यूजेबल है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा काम करता है ये, और मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी बड़े बड़े कंपनी वाले बंदे भी इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स। और इसके जो रिव्यू भी है काफ़ी हमें अच्छी भी देखने को मिली है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी मैं इसका जो रिव्यू कर रहा हूँ आज, और आप देख सकते हैं डिस्क पार्टीशन मैनेजर भी है यहाँ पे, आप डिस्क पार्टीशन का यूज़ यहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड्स। आईफोन बैकएंड ट्रांसफर कर सकते हैं, आईफोन का डाटा आप बैकअप भी ले सकते हैं यहाँ से, ट्रांसफर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके थ्रू। अगर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था आईट्यून से आईफोन का डाटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आईफोन टू आईफोन, आईफोन टू पीसी, या डॉक ट्रांसफर द्वारा, डॉक्यूमेंट्स ऐप द्वारा, तो फ्रेंड्स आप उनको हटा करके इसको यूज करके आप इससे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। रिमोट डेस्कटॉप, मैंने पिछली वीडियो बनाया था एनी व्यूवर के बारे में, जैसे एनडेस्क टीम व्यूवर काम करते हैं ऐसे ये काम करता है फ्रेंड्स। माई रिकवर में फ्रेंड्स आपका जो रिकवर जो चीज़ है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी, सिस्टम ऑप्टिमाइज टूल भी मिल जाएगा आपको, जो सिस्टम के ऑप्टिमाइज के हिसाब से फ्रेंड्स कॉन्फ़िगरेशन टूल्स, तो आपको काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर। और आप यहाँ पर देख सकते हो, और मैं इसको एक बार लॉगिन करके भी दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जो मेरे इसमें जो मेरे को इसकी की मिली है फ्रेंड्स, तो पहले मैं यहाँ से रजिस्टर कर ले रहा हूँ जो लाइसेंस की है फ्रेंड्स, तो मैं लाइसेंस की निकाल ले, तो फ्रेंड्स मेरे लाइसेंस की मिल गई है, मैं यहाँ पे पेस्ट करके और इसको रजिस्टर कर लूँगा फ्रेंड्स। और आप देख ही सकते हैं कि ये रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका फ्रेंड्स, तो इजीली मेरा जो सॉफ्टवेयर है अब वो जो प्रो वहाँ पे लिखा रहा था वो सभी जगह से प्रो मेरा हट गया, आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से प्रो हट गया है। तो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं मेरी, अगर ये लाइसेंस की चाहिए आपको फ्रेंड्स, तो कमेंट्स डालें, एक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें मुझे, अगर आपको जिस जिसको चाहिए मैं पर्सनली आपको शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स, और हो सकता है मैं आपको इसमें लिंक भी दे दूं और आपको की मैं दे दूंगा फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।